मंडी जिला से हिमाचल फॉरेस्ट गार्ड के 137 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत मंडी जिला के अभ्यर्थियों ने रविवार को लिखित परीक्षा दी। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने बताया कि वह भर्ती का पहला चरण शारीरिक परीक्षण संपन्न कर चुके हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है, उन अभ्यर्थियों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा करवाना सुनिश्चित करवाया गया था। रोजगार की दृष्टि से मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। जो इसके लिए मैंने लगभग 2-3 महीना पहले ग्राउंड के लिए तैयारी की, उसके बाद फिर अब लगभग एक महीना से भी कम समय था इसलिए टेस्ट की तैयारी करने के लिए, जो हमने पूरा की। रोजगार की दृष्टि से हमें ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए वैसे तो काफ़ी 137 पोस्ट जो है हमारे को दी गई है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और हमने फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो अप्लाई किया था फॉर्म, और इसकी भर्ती पिछले महीने 10 तारीख को हुई थी। जो फिजिकल टेस्ट था हमारा, उसको क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने रिटर्न टेस्ट की डेट दी थी आज की, और इसको आज हमने जो देख के आए हैं। और इसके लिए मंडी के लिए 137 पोस्टें हैं, और उसमें बहुत ही ज़्यादा लड़के बेरोजगार हैं मंडी से। तो तैयारी तो हमने काफ़ी की थी इस टेस्ट की, बट पता नहीं अब आगे रिजल्ट क्या आता है इसके।